मटेरियल क्लासिफिकेशन के लिए CL01, CL01 ठीक है। CL01 में हमने क्लास का नाम देना होता है कि जो क्लास हम बनाने जा रहे हैं। मैं इसको MM ठीक मटेरियल, ठीक है, और क्लास टाइप, क्लास टाइप के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। है और मैम मटेरियल ठीक मटेरियल के है। लिए जो है हम मटेरियल क्लास ले देते हैं। मटेरियल क्लास एंटर कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक ठीक है। है ठीक एंटर करने के बाद इसके अंदर है हमने इसका नाम रखना होता है कि ये इसका नाम क्या है। ठीक फिर इसके बाद हमने इसकी वैलिडिटी देनी होती है कि वैलिड कब से है, ठीक है ठीक और एंड वैलिडिटी। इसके अलावा इसके अंदर इसके कीवर्ड, इसके जो है करेक्टर जो है, अब करेक्टर जो है यहाँ पे टाइप कर दे, यहाँ पे टाइप करेंगे करेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी आइटम ले लें, आप ले लेते हैं शर्ट, आपको टी शर्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक टी शर्ट का फिर सबसे है पहले उसका मैं कह देता हूँ साइज, उसका कलर ठीक और है उसका साइज, कलर और फैब्रिक ठीक और उसका जो है ब्रांड, है उसका कोई मेक, ये एग्जाम्पल नहीं है मैंने किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। ठीक है ठीक इसको एंटर कर रहा हूँ, एंटर किया तो कह रहा है कि आपका है करेक्टर जो है ना, कि ये वाला करेक्टर जो है वो ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा ठीक हूँ, है ठीक है ठीक तो ये एक स्क्रीन खुल गई है। है ठीक ये स्क्रीन अलग से भी खुल जाती है CT04 से, और उसके अंदर से भी खुल है जाती है, ठीक है। CT04 CT04 वो भी बताता हूँ वो कैसे खुलता है। साइज जो है, ठीक है ठीक साइज आपने खोलना है इसका, साइज में कर दो उसको, है ठीक ठीक है। साइज के अंदर इसका, इसकी डेटा टाइप, डेटा टाइप इसकी मैं कह रहता हूँ जी, इसकी डेटा टाइप है करेक्टर, और इसकी जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो 30, इसको नहीं दे रहा है हूँ मैं। और वैल्यू असाइनमेंट इसमें करनी है हमने सिंगल, ओके। ठीक है ठीक है ठीक और इसके बाद इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद इसकी वैल्यू, वैल्यू के अंदर है हमने कहना है जी इसका, अब कलर कह रहे हैं जी ब्लू, ठीक रेड, ग्रीन, है ठीक येलो, वो जितने भी कलर हो सकते हैं हम सारे इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। है ठीक है इसको मैं कर देता हूँ सेव, अब ठीक है सॉरी हमने पहले क्या किया था, साइज, साइज साइज आप कलर कर रहे हैं अब कलर कर रहे हैं साइज के अंदर। फिर हम साइज अभी चेंज करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि साइज में मीडियम लार्ज लिखना था, हमने रेड ब्लू ग्रीन लिख दिया उसके अंदर। अच्छा ठीक है ठीक कलर, है इसकी डेटा टाइप 30, और इसमें वैल्यू, वैल्यू के अंदर कलर में अंदर वही ब्लू, रेड, ग्रीन ठीक है और येलो, ठीक है। चलो ठीक है ठीक और ये इनके करेक्टर वैल्यू है, और यही इनका, यही इनकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है उसको सेव कर दिया। अब आ गया फैब्रिक, ठीक है फैब्रिक इसकी डेटा टाइप करेक्टर और 30, इसके अंदर वैल्यू, फैब्रिक के अंदर मैं कहता था जी कॉटन, इसी, और ये पोलिस्टर, कॉटन पोलिस्टर और जर्सी, ठीक है। ठीक फिर उसके बाद आ गया ब्रांड, ब्रांड, ब्रांड के अंदर
आप बता देंगे ब्रांड्स यूके का, मैं तो फिर यहाँ का बताऊंगा। कोई नहीं, ब्रांड को ही बनाओ, ज़ारा बना लो, ज़ारा बना, ज़ारा सारा सारा टाइनर, बना लिया, ठीक है या कोई कुछ बात नहीं। भी बना, कोई कोई मेक मेक के अंदर वैल्यू, मेक जी। के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशिया के कंट्रीज में डालो इसके अंदर, ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक ये हो गया सेव, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब ठीक है हमने जो एक बनाया था CT04 पे जाके ना, सबसे पहले साइज हमने किया था, एक साइज, ठीक है, वही आ गया, साइज की वैल्यू के अंदर ठीक हमने है, रेड ब्लू डाला था, इसको कर देते हैं जी। ये सबसे पहले स्मॉल, स्मॉल मीडियम लार्ज मीडियम और लार्ज लार्ज और एक्सेल, ठीक है इसके एक्सेल, ठीक है, सेव हो आगे। गया। अच्छा तो हम मटेरियल खोल लेते हैं, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, हाँ, हूँ, आप माइक से थोड़ा दूर हो गए हैं। नहीं, इधर ही हूँ, अच्छा मटेरियल मैं दोबारा खोलने इधर लगा ही हूँ, हूँ, मैं इधर ही हूँ। मटेरियल खोलने लगा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, सीएल 01 है आपकी, ठीक है, 01, ठीक है। इसके अंदर ये इंडस्ट्री टाइप और मटेरियल टाइप, ठीक है। ठीक उसके बाद एंटर, एंटर के बाद मैं है तीन ठीक व्यूज ले रहा हूँ इसके। ये है है ठीक टी शर्ट, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और मैं चला गया है ठीक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। है ठीक है क्लासिफिकेशन में मैंने इसकी नई क्लासिफिकेशन, ठीक। कौन सी क्लासिफिकेशन खोली थी हमने, एमएम हमने खोली थी एमएम मटेरियल, ठीक मटेरियल, ठीक है। ये इसमें आ गया, है ठीक इसको एंटर है ठीक किया तो ये देखे नीचे है ना वो ठीक सारी क्लासेस आ गई हैं, साइज, है ठीक है ठीक कलर, फैब्रिक, ठीक है। अब है ठीक मैं इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका साइज, ये सारे वो साइज आ गए स्मॉल, ठीक ठीक समझ आ गया, ठीक है और इसका मैं ले रहा हूँ कलर ब्लू, ठीक है ठीक इसका फैब्रिक है ठीक और इसका ब्रांड है ठीक और फिर इसका मेक। ये है जी मटेरियल की क्लासिफिकेशन, आप इसको यहाँ पे ठीक सेलेक्ट ठीक 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 है ठीक ये मटेरियल हो गया सेव। ठीक तो अब जब भी इस मटेरियल को, इसको ठीक इसका डिस्प्ले देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का डाटा दिखाएगा कि ये स्मॉल है, ब्लू कलर है, कॉटन है, डाइनर है, इंडिया है, ये चीज, ठीक है। तो ठीक है ठीक ये आज का टॉपिक यही था हमारा, और इसी के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, क्लास बनाएं एक या दो तो क्लास। जो क्लासिफिकेशन होती है, ये जो क्लासिफिकेशन होती है, मतलब बेसिकली क्या, मतलब ये बता के कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ना, हाँ ये समझे। ठीक कैटेगरी के अंदर अगर कोई फैब्रिक है तो फैब्रिक अपनी होगी, कोई ग्रोसरी का आइटम है जैसे ग्रोसरी के अंदर ऑयल है तो ऑयल कौन सा है, कुकिंग ऑयल है, कनोला ऑयल है, फिर है उसका वेट कितना है, 5 kg वाला, 2 kg वाला है, और फिर उसकी पैकिंग कौन सी है, कंपनी कौन सी है, तो ये एक तरह की चीज़ें आ जाती हैं उसमें। या कोई अगर फूड में चले जाए तो ठीक पिज़्ज़ा है है, अगर पिज़्ज़ा के आइटम है तो
पिज्जा कौन सा है, उसका फ्लेवर कौन सा है, उसका साइज कौन सा है, उसके अंदर फिर उसकी टॉपिंग कौन सी है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ओके 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 ठीक अब इसको कर लेंगे आप। है। नहीं, इसमें और भी क्वेश्चन है तो बताएं, मैंने आज का आपको यही करवाना था। अगर अब मैं बनाऊंगा मटेरियल तो वो फिर उसमें किस में बनाऊं मैं शुरुआत से, अगर एक और नया मटेरियल बना रहा हूँ कौन से प्लांट में बनाऊं? प्लांट आप वो यूज कर ले, BRAV वाला, जो SNS है उसके अंदर मटेरियल लेजर एक्टिवेट कर देंगे तो वो हो जाएगा, चल जाएगा वो भी। तो वो अभी रहने, अभी प्रॉब में कर लूं? इसको रहने दें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर ठीक है। नहीं बस और कुछ? एक बिट मैं करता हूँ यार, मैं करता हूँ, आगे आगे बढ़े जाता हूँ, जो भी उसके बाद ये भी करूंगा बीच में प्रैक्टिस, फिर मैं वो माइको भी बनाता हूँ, परचेज ऑर्डर माइको करता हूँ। ठीक है। अभी ठीक ये है चीजें आपको आहिस्ता मैं आहिस्ता करता ये हूँ, फिर मैं चीजें डाउट आएंगे तो मैं कर आपको चीजों का इंटरेस्ट पैदा होना शुरू होगा, आपको अब चीजों का मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका हाथ थोड़ा खुल गया है, चीजें समझ आनी शुरू हो गई आपको। ठीक है। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक ठीक है, यू। ठीक चले फिर फिर है करें ठीक आप। ठीक है, थैंक यू यार, ठीक है सर, ओके, मैं थैंक बस यू, थैंक यू, बाय। तो ठीक है यार, प्लीज ये वीडियो भेज दोगे मुझे? हाँ जी, हाँ जी, वीडियो भेज देता हूँ। हाँ प्लीज, थैंक यू ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।